हेलो फ्रेंड्स, आई एम आरती। वेलकम टू माय चैनल लेमन एसेंस। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्पाइसी कॉलीफ्लावर ब्रिंजल करी। इसके लिए हमें चाहिए कॉलीफ्लावर, ब्रिंजल, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मीट मसाला पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिली पाउडर, लहसुन का पेस्ट, ओनियन का पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटो कटा हुआ, ग्रीन चिली पेस्ट और पचफूटन। चलिए तो फिर गैस ऑन करते हैं। एक पैन लेंगे, अभी हम इसमें डालेंगे ऑयल। मैं 3 चम्मच ऑयल लिया हूँ बड़े चम्मच से। ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे ओनियन का पेस्ट 2 चम्मच। लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। गैस को फुल में करेंगे। हॉट ऑयल में हम लोग जो हल्दी डालते हैं, इसमें सब्जी का कलर अच्छा आता है। अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। गैस धीमी में ही रहेगा। हम इसमें डालेंगे अभी धनिया का पाउडर 1 चम्मच, जीरा का पाउडर 1.5 चम्मच, मिर्ची का पाउडर 1 चम्मच। मीट मसाला पाउडर 1/2 चम्मच। और गरम मसाला थोड़ा सा। इसको हम अभी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे टमाटो कटा हुआ। थोड़ा सा पानी, इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। अभी गैस को फुल में करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी ढक्कन लगाएंगे 1/2 मिनट के लिए और गैस को धीमी में करेंगे। अभी 1/2 मिनट हो गया है। हम ऐसे जगह में थोड़ा सा ऑयल लेंगे और उसमें डालेंगे 5 फुटर।
पचफूटन का कॉम्बिनेशन बैंगन के साथ अच्छा होता है। अभी ये तैयार हो गया है, गैस बंद करेंगे। वो हमारा सब्जी भी आधा मिनट का हो गया है, हम इसमें डालेंगे पचफूटन। गैस को फुल में करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम इसमें और थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस फुल में रहेगा। अभी ये ब्रिंजल को मैंने डीप फ्राई कर दिया हूँ। जब ब्रिंजल आप डीप फ्राई करें तो इसको इस तरह से काट दीजिएगा। और इसको ऐसे डालना है। अभी कॉलीफ्लावर को भी मैं डीप फ्राई कर दिया हूँ इस तरह से, और इसको ऐसे डालना है हम लोगों को। इसको हम अभी पलट देंगे। डालेंगे ग्रीन चिली का पेस्ट आधा चम्मच, और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम ढक्कन लगाएंगे और 7 मिनट तक ऐसे छोड़ देंगे, गैस फुल में रहेगा। अभी 5 मिनट हो गया है, ढक्कन उठाएंगे, गैस थोड़ा धीमी करेंगे और इसको और एक बार पलट देंगे। और थोड़ा सा उसको ढक्कन लगाएंगे और गैस फुल में कर देंगे। अभी हम ढक्कन उठाएंगे, पूरा 7 मिनट हो गया है, गैस धीमी करेंगे। ये देखिए हमारा करी तैयार हो गया है। अभी हम इसको गैस बंद करेंगे और सर्व करेंगे। ये लीजिए, तैयार हो गया हमारा स्पाइसी कॉलीफ्लावर ब्रिंजल करी। अगर आपको ये डिश अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।